खबर रीवा से है, जहां कमर तोड़ महंगाई मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रतिदिन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले श्रमिक से लेकर मध्यम वर्गीय को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत हो गई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार, मूल्य वृद्धि वापस लो के नारे के साथ कांग्रेस नेतृत्व ने अनोखे अंदाज में विरोध किया है। दरअसल महिला नेतृत्व ने विवेकानंद पार्क में एकत्र होकर गैस सिलेंडर को माला पहनाया और पूजा अर्चना करते हुए गरबा डांस किया। महिलाओं के किए जा रहे विरोध को देखने के लिए आसपास खासा भीड़ एकत्र रही। विरोध करने वालों में कांग्रेस नेत्रियों के साथ घरेलू महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने महंगाई डायन खाए जात है के गाने पर जमकर नाच गाने और गैस सिलेंडर की पूजा अर्चना की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेत्रियों ने कहा कि मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा महंगा सिलेंडर मिल रहा है। महिलाओं ने कहा कि शायद मोदी जी ने भारत को इसलिए कहा था कि विश्व गुरु बनाएंगे, जो आज महंगाई में भारत विश्व गुरु बन चुका है, इसलिए आज सिलेंडर गरवा कर विरोध प्रदर्शन किया है। आइए आपको दिखाते हैं महिलाओं के द्वारा किए गए अद्भुत विरोध का और सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे एकत्रित हो के और गरबा डांस किया, गैस लेके गरबा डांस किया, जो कि डांस करना एक मतलब कोई फंक्शन हो या कुछ हो वहाँ करते हैं, लेकिन हम महिलाएं गैस सिलेंडर लेके आज यहाँ पे डांस किया। इतनी महंगाई गैस का भी 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो हम लोग जो स्मृति ईरानी बहुत रोड में बैठती थी, वो बहुत पैर पसार के बैठती थी, आज पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। जब देखो तब यही बोलती थी, जब 1400 में गैस सिलेंडर मिलता था तो यही बोलती थी कि अरे बहुत हो गई, बहुत हुई महंगाई, बहुत हुई महंगाई, अभी क्या हुआ। तो अब हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे इस कड़कती धूप में, और ये मई जून का महीना आप लोग जानते हैं कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इस धूप में भी करेंगे, बैठेंगे वहीं रोड में, रोटी बनाएंगे चूल्हा में, खाएंगे और खिलाएंगे भी, और हर घर में जाएंगे और घर घर जाके यह संदेश पहुंचाएंगे मोदी जी का कि उज्ज्वला योजना का क्या लाभ मिल रहा है, जो कि 1000 के पार हो गया है गैस सिलेंडर। मोदी जी के आदेश पे गैस सिलेंडर और चूल्हा लेकर के उतरे हुए हैं जमीन पे। गैस सिलेंडर मोदी जी कहते हैं प्रणाम करिए, उसके बाद घर से बाहर निकलिए। आज से हम लोग अपना चूल्हा जलाना शुरू करेंगे। अभी लकड़ी हम लोगों को काट करके ले आना है और उस पर फिर रोटी बना करके हम लोग खाएंगे, घर परिवार को खिलाएंगे, क्योंकि अब 1000 के पार हम लोग किसी भी तरह से सिलेंडर नहीं भरवा सकते, क्योंकि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा है, अमीर वर्ग कम है। मोदी जी तो बढ़िया ऊपर आराम से सो रहे हैं, उनको क्या पता कि नीचे के तबके के लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको तो नहीं पता है। पर नीचे के तबके के लोग इस भरी
दोपहर में जब घर से निकलते हैं तो उनसे पूछिए किस तरह से लोक में अपना काम कर रहे हैं। और हम लोगों का सिलेंडर भी छीन लिए, वो 1000 रुपये के पार कर दिए सिलेंडर। अब बताइए, डीजल हो गया 100 के पार, पेट्रोल हो गया, पहले 60 रुपये में वो हाहाकार मचाते थे, तो वो दिन फिर कहाँ चला गया? जो वादा दिया थे उसको तो पूरा करें। वो हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं मोदी साहब का, थैंक यू मोदी जी। भारत दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर देने वाला अपनी जनता को पहला राष्ट्र है जहां पर सबसे ज़्यादा महंगा सिलेंडर बिकता है। तो उन्होंने कहा था कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, और विश्व गुरु बनने की खुशी में आज रीवा जिले की महिला कांग्रेस ने सिलेंडर गरबा किया है। और हम सब डीजल पेट्रोल और जो लगातार बढ़ते दाम हैं, जब 70 रुपया लीटर से डीजल पेट्रोल हुआ करता था तो मोदी जी, स्मृति ईरानी और उनके नेता कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब जब 100-125 से ऊपर हो गया है तो हम लोग आज निकले हैं सिलेंडर गरबा करने के लिए। महिलाओं ने सिलेंडर को सिर पर और चूल्हे को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर नृत्य किया है, और शायद इसको देखकर उनको शर्म आए और अपने पूरे नारों को भी याद किए। मैंने कल एक मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि इतनी महंगी सिलेंडर हो गई, जब 414 का हुआ करता था तो सिलेंडर को आप लोग माला पहनाना और प्रणाम नमस्ते करते हुए जाना। तो हम लोग सिलेंडर को मोदी जी के आदेश पर माला भी पहनाएं और प्रणाम करके भी जा रहे हैं। शायद इन लोग को शर्म आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और इनके दाम को उचित और वाजिब दे दे। हम लोग अपनी कांग्रेस का जो पहले का अच्छा दिन था वो चाहते हैं।